इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर टू का सेशन थ्री एंड फोर करेंगे अभी इसके पहले जो वीडियोस थी उनमें मैंने सेशन वन और सेशन टू एक्सप्लेन कर दिया है अगर आपने नहीं देखी हो तो गो एंड वॉच द वीडियोस। इन सेशन थ्री और फोर में इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग एंड चैटिंग विद कॉन्टेक्ट्स कवर होगा हम सेशन थ्री से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग पहले हम ये देख लेते हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग है क्या तो इंस्टेंट मैसेजिंग मीन्स रियल टाइम कम्युनिकेशन विद द यूज़र एट द अदर एंड दैट मीन्स अदर एंड वाला यूज़र कौन होगा हम मे भी हमारा फ्रेंड हो सकता है मे भी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर हो सकता है किसी भी बिजनेस मैन का कस्टमर हो सकता है कोई भी पर्सन हो सकता है तो उस पर्सन के साथ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं रियल टाइम में उसको हम इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं इस इंस्टेंट मैसेजिंग जो होती हैं जनरली इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो करती हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल मींस जो दो लोग आपस में बाइन कर बात कर रहे हैं वो क्लाइंट हैं और जो बात होगी उनकी वो एक सर्वर की मदद से होगी दैट मीन्स मैं किसी से बात करना चाहता हूँ तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो पहले सर्वर तक जाएगा और उस सर्वर से उस सामने वाले के पास जाएगा तो दिस इज हाउ क्लाइंट सर्वर मॉडल वर्कस अब वन ऑफ द फर्स्ट पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम वॉज आई सी क्यू आई सी क्यू बोलते हैं इसको फ्रॉम मेरा एंड दिस वॉज लॉन्च इन 1996 और ये आई जो था इसको अमेरिकन ऑनलाइन ने टेक ओवर कर लिया था 1998 में और ये जो था वो एक लीडर बन चुका था सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में यही चीज़ थी अब हम आते हैं इस इंस्टेंट मैसेजिंग की एडवांटेजेस क्या हैं बहुत सारी एडवांटेजेस हैं वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं सबसे पहली एडवांटेज आती है इट इज़ फास्टर दैन एनी अदर मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन कोई भी अदर मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन होगा ये उससे फास्टर है जैसे कि अगर हम व्हाट्सएप की बात करें हम व्हाट्सएप पे अगर कोई मैसेज शेयर करते हैं तो वो तुरंत पहुंचता है जिसको हम भेजना चाह रहे हैं उस तक सो इट इज़ फास्टर देन एनी अदर मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन सेकेंड वन इज़ यूजर्स कैन कनेक्ट टू इंस्टेंट मैसेजिंग रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन कोई कहीं पर भी हो कोई अमेरिका में हो कोई इटली में हो कोई लंडन में हो इंडिया में हो कहीं पर भी हो वो आपस में बात कर सकते हैं इस इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू थर्ड वन मल्टीपल यूजर्स कैन कम्युनिकेट थ्रू अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बहुत सारे लोग एक साथ कम्युनिकेट पकड़ कर पाते हैं वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू जैसा कि हम अभी देख सकते हैं लॉकडाउन है कोरोना वायरस की वजह से इतना बड़ा पैंडेमिक है इसकी वजह से लॉकडाउन है सब जगह इस लॉकडाउन की वजह से कोई भी किसी से मिल नहीं पा रहा है लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं थ्रू दीज वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग हम वीडियो कॉल्स कर सकते हैं जूम ऐप है उसके थ्रू हम वीडियो कॉलिंग करते हैं सो मल्टीपल यूजर्स कैन कम्युनिकेट थ्रू अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट आता है यूज़र कैन नॉट ओनली सेंड मैसेजेस बट उसके साथ साथ वो इमेजस ऑडियो वीडियो टेक्चुअल डॉक्यूमेंट्स ये सारी चीज़ें भी शेयर कर सकती है जैसा कि आप जानते हो व्हाट्सएप यूज करते हो हम सिर्फ मैसेजेस नहीं फॉरवर्ड करते साथ में कोई अच्छी इमेज हमको लगती है हम वो शेयर कर देते हैं कोई ऑडियो होती है कोई वीडियो होती है एनी थिंग हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं फिफ्थ वन इज़ यूज़र्स नॉट ओनली शेयर टेक्स्ट बट कम्युनिकेट थ्रू ऑडियो वीडियो और कैन इवन शेयर देयर लोकेशन जैसा कि अभी हम वीडियो कॉलिंग की बात कर रहे थे वो अपनी ऑडियो शेयर कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं साथ साथ अपनी लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं जिससे वो हम तक पहुंच सके नेक्स्ट इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज जो होती हैं वो क्या हैं तो टू टाइप्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं पहला है एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या है दीज सॉफ्टवेयर आर डाउनलोड एंड इंस्टॉल्ड ऑन द यूज़र्स डिवाइस जो भी यूज़र है जो इस इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस को यूज़ कर रहा है वो इसको इंस्टॉल करेगा वो जब तक इंस्टॉल नहीं करेगा जब तक वो नहीं चला सकता है जैसे स्काइप व्हाट्सएप हैंग आउट इन सबको इंस्टॉल करना ज़रूरी है जब तक ये इंस्टॉल नहीं होंगे द यूज़र कैन नाट यूज नेक्स्ट होते हैं वेब बेस्ड वेब बेस्ड मतलब हम ब्राउज़र की मदद से इसको यूज़ कर सकते हैं कोई भी वेब ब्राउज़र होना चाहिए हम ब्राउज़र पे उसको वेबसाइट को ओपन करेंगे एंड वी कैन कम्युनिकेट थ्रू इट जैसे याहू मैसेंजर फॉर वेब होता है विंडोज़ लाइव वेब मैनेजर होता है ई e बडी होता है तो ये सारे जो हैं ये वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं तो इसी में से अब हम एक एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप को हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गूगल हैंग आउट्स गूगल हैंग आउट्स जो है ये एक मैसेज कम्युनिकेशन इंस्टेंट मैसेज कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है जिसको डेवलप किया है गूगल ने इसीलिए इसके नाम के आगे गूगल लगाया जाता है गूगल हैंंग आउट हम बोलते हैं तो अब गूगल हैंगआउट को हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं हम वो देख रहे हैं हाउ वी कैन डाउनलोड गूगल हैंग आउट्स अगर हम कंप्यूटर पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम वही डिस्कस करेंगे कि हम विंडोज़ सेवन की बात कर रहे हैं इस पूरे टेंथ क्लास टेंथ में तो विंडोज सेवन में आप गूगल हैंग आउट अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो कैसे करोगे सबसे पहले आप कोई भी हमारा क्रोम ब्राउज़र है क्रोम ब्राउज़र खोल लो और उस पर सर्च करो डाउनलोड हैंग और एंटर की प्रेस कर देना आपको वहाँ दिख जाएगा क्रोम वेब स्टोर गूगल हैंग तो उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी जहाँ पे लिखा होगा क्रोम वेब स्टोर नीचे लिखा होगा गूगल हैंग एंड राइट हैंड साइड पे आपको ब्लू कलर का बटन देखता है ऐड टू क्रोम इसका मतलब ये आपके क्रोम ब्राउजर में ऐड हो जाएगा यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक पॉपअप ओपन होगा सामने उसमें वो पूछेगा क्या सच में आप गूगल हैंग आउट ऐड करना चाहते हो तो वहाँ पे दो हैं एक होता है ऐड एक्सटेंशन दूसरा होता है कैंसिल अगर आप नहीं करना चाहते तो कैंसिल करेंगे लेकिन हम तो करना चाहते हैं तो हम ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद वो आपसे बोलेगा साइन इन टू क्रोम टू गेट स्टार्टेड अगर आपने साइन इन नहीं कर रखा है क्रोम में तो वो आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा आप साइन इन कर लेंगे अपने गूगल पे साइन इन पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको गूगल अकाउंट के लिए रिडायरेक्ट कर देगा वो कि आप गूगल अकाउंट में अपने साइन इन करो जब आप साइन इन कर लोगे तो आपको एक वेलकम पेज दिखेगा हैंग का वो कुछ इस तरह दिखता है वहां लिखा होता है वेलकम टू हैंग कीप कन्वर्सेशन इन अ सिंगल विंडो और पॉप आउट द इम्पॉर्टेंट वंस कोलैब्स द कन्वर्सेशन लेड्यूस्रीन क्लटर गैट स्टार्टेड तो जब आप किस गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो ओपन होगी यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपके सारे कॉन्टेक्ट दिखेंगे और राइट हैंड साइड पे हमारा कन्वर्सेशन विंडो होता है ठीक है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सारे कॉन्टेक्ट्स दिखते हैं इस तरह की विंडो ओपन होती है इसमें यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे ऑप्शंस जो सेटिंग ऑप्शंस होते हैं उस उसपे तो सेटिंग ऑप्शन पर जाने के लिए आपको इस विंडो पे तीन लाइन दिख रही है थ्री हॉरिजॉन्टल लाइन इसको हम बोलते हैं हैमबर्गर सिंबल दिस इज फॉर द ऑप्शन तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो हमारे सामने ओपन होगी उसमें आपको वो सारी चीज़ें शो करेगा सबसे पहले सबसे ऊपर है स्टेटस शेयर योर स्टेटस आप अपना स्टेटस किसके साथ शेयर करना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं स्टेटस डालो जैसे हम व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं वैसे ही हम एंग पे भी स्टेटस डाल सकते हैं उसके बाद नोटिफिकेशन सेटिंग्स भी हैं इसमें साउंड फॉर इनकमिंग मैसेज रिंग ऑन इनकमिंग कॉल्स तो ये सारी स्टेटस सेटिंग्स के बाद नोटिफिकेशन सेटिंग्स हैं, नोटिफिकेशन सेटिंग्स के बाद हैंग आउट सेटिंग्स हैं तो ये ऑप्शन में अलग अलग सेटिंग्स हैं जो आप चेकबॉक्स पे टेक या अन करके चेक या अनचेक करके सेटिंग्स को आप आपके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो